टेबल में बैठ के हमारी हड़तालों को जो है ना ये भंग करवा देते हैं। कम से कम अपनी एक जुबान के ऊपर तो रह जाए। पिछले काफी लंबे समय से कर्मचारी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर थे और बार बार सरकार से टेबल टॉक होने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है, जिसके चलते आज सिरसा के लघु सचिवालय में फायर ब्रिगेड और सफाई कर्मचारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बार बार कर्मचारियों को पागल बनाने का काम कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देव सिंह जी, महासचिव हूँ मैं फायर का और नगर पालिका में ऑडिटर राज्य कमेटी में। ये ऐसा था, हमारे जो पहले जो मांग और मुद्दों पर सरकार की सहमति बनी थी वो 25 अप्रैल 2020 की है, 17 की है। अब अभी लेटेस्ट जो 28 जून को हमारा कमल जी गुप्ता जी के साथ हमारा समझौता हुआ था, सभी पर सहमति बनी थी। तो एक दो मुद्दे थे जो निजीगत थे उस पर नहीं सहमति बनी, लेकिन बाकी मुद्दों पर लगभग सहमति बन गई थी। लेकिन आज तक कोई भी लेटर हमारा भी जारी नहीं हुआ। जैसे जो हकरण जो चलाया इन्होंने कौशल रोज़गार, उसके विरुद्ध में हम पहले भी थे आज भी हैं। भी वो जो कौशल रोज़गार है उसमें से हमारे साथी जो पहले, क्योंकि ठेके पर था, बड़ी मुश्किल से हमने बंद करवाई थी 2019 में। जो फायर के साथी जो बाहर करवाए थे 14 में नगर पालिका करवाए थे। इसलिए भी जो कर्मचारी का 20 साल या 15 साल सर्विस को हो गया है, हम चाहते हैं कम से कम उसको कोई सम्मानजनक दिया जाए, चाहे रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए। 14 में पॉलिसी बनी थी, वो पॉलिसी को हम समझौते में आई भी वो लागू करवाई जाए दोबारा, लेकिन अभी तक कोई भी आज तक हमारे कोई सबूत नहीं मिला, ना कोई लेटर जारी हुआ। इसलिए हमने दोबारा ये आंदोलन की कॉल करी है। आज हम झंडे और काले झंडे लेके प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे, फिर हमने झाड़ू प्रदर्शन करना है। इसके बाद अगले जो महीने में 2021 की हड़ताल करेंगे। अगर कर्मचारियों का कहना है कि आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं ताकि गूंगी बहरी सरकार के काले झंडे का प्रदर्शन, अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अब देखना यही होगा कि जिस प्रकार कर्मचारी सरकार का विरोध कर रहे हैं तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही करती है। सिरसा से हरियाणा डेली के लिए अमन अरोड़ा की रिपोर्ट। अगर हमारी को मांग नहीं उठाती सरकार तो हम अगले महीने हड़ताल पे जाएंगे, 2 दिन हड़ताल करेंगे। अगर नई बात बनी तो लंबी हड़ताल भी खींचेंगे, और इस बार शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम काली दिवाली मनाएं, क्योंकि हमारे को 3-4 साल लगातार हो गए हैं हम प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमारा अभी तक एक पेरोल पे जरूर कराया था, लेकिन उसके बाद जो बाकी मांगे और मुद्दे थे आज तक नहीं हुए, इसलिए हम दोबारा ये आंदोलन करने जा रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज अटवाल है, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से जिला प्रधान हूँ। ये सरकार की जो हठधर्मी चल रही है ना जी 2020 से, उसके प्रति हम परेशान हो गए, हमने ये कदम उठाया है। जो नगर पालिका कर्मचारी संघ है उसकी तरफ से ये आह्वान है कि इनको जगाने का काम करें, इनको काले झंडे दिखा के प्रदर्शन करके इनको जगाएं, अगर इनको थोड़ी बहुत अगर होश आती है सरकार को तो। इसलिए आज हमने ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं हम DMC को। हमारा मांग पत्र है जिसके ऊपर 4 बार हमारे जो है ना समझौते हो चुके हैं, लेकिन एक बार भी उसको लागू नहीं किया गया है, उसका लेटर जारी नहीं किए गए हैं। तो क्या है, क्यों लागू नहीं हो रहा, समझौते आप कह रहे हो बार बार? वजह ये है जी, गोलीबाजी करते हैं, टेबल पे बैठ के हमारी हड़तालों को जो है ना ये भंग करवा देते हैं। कह देते हैं जी 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर जो है ना आपका समाधान कर देंगे, आपके जो मांग के लेटर जारी कर देंगे, बस आश्वासन दे देते हैं। उसके बाद फिर 10 दिन का टाइम ले लेते हैं, लेकिन हमें फिर भी 6-6 महीने साल साल इंतज़ार करने के बाद दोबारा वही रुख अपनाना पड़ रहा है। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि कम से कम अपनी एक जुबान के ऊपर तो रह जाए। 2020 से मांगे जो मानी हुई हैं, 2022 2 साल हो चुके हैं उनको, उसके ऊपर 4 बार जो है ना विचार हो चुके हैं, 4 बार टेबल पे हमारी बात हो चुकी है, लेकिन उनका लेटर एक भी जारी इन्होंने नहीं किया। जी बिल्कुल, हमने आगे 11 तारीख को एक दिन की भूख हड़ताल रखी है,
1920 तारीख को जो है हम क्रमिक काम छोड़ो हड़ताल करेंगे। हमने काम बंद कर देना है 1920 को, और हो सकता है इसको हम अनिश्चितकालीन भी कर दें। जैसे संघ का आदेश आएगा अनिश्चितकालीन भी हो जाएगा, दिवाली के ऊपर कोई काम नहीं होगा, बंद हो जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं ताकि गूंगी बहरी सरकार के कान खुल सके। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अब देखना यही होगा कि जिस प्रकार कर्मचारी सरकार का विरोध कर रहे हैं तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही करती है। सिरसा से हरियाणा डेली के लिए